हाँ बच्चों, मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा रही थी। तो कई बार हमें क्या लगता है, जैसे हम बाहर मौसम को देखते हैं, जैसे बादल हो रहे होते हैं, तो कई बार बारिश मतलब उन बादलों को देखते हुए आ भी सकती है और नहीं भी आती। कई बार मतलब कई बार बारिश होती भी है, कई बार नहीं भी होती। तो ये क्या है, हमारी संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो बाकी मैं आपको एक बार क्वेश्चंस के माध्यम से और अच्छे से बता दूंगी। तो लेकिन इसका जो मतलब है वो होती है कि संभावना, कि इट मे बी और इट मे नॉट बी, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आगे है एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज में 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट लिख लेंगे हम, और ये सबकी हाइट हमने सेंटीमीटर में लिख ली। अपनी तरफ से लिख लेनी है, कुछ भी लिख लो, 148 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लिया। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी ले सकते हो आप। तो असेंडिंग ऑर्डर में लोगे तो आप जानते हो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आना पड़ता है हमें। तो पहले स्मॉलेस्ट, इसमें से 140, फिर 142, फिर 146, फिर 147, इसमें से हमने सारा लिख लिया। आगे है बच्चों, इसमें रेंज फाइंड करनी है आपको। तो इसमें जो रेंज फाइंड करनी है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो बच्चे देखो, इस डाटा में अगर आप देखोगे तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 160 है, सबसे बड़ी वैल्यू, और इसमें लोएस्ट कौन सी है, 140 है। तो 160 में से 140 माइनस किया तो हमारी रेंज कितनी निकल के आ गई, 20। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड।